दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है माय टूल बॉक्स चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ये ड्रिल मशीन लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें जो अटैचमेंट मिलते हैं हमको उनको जानेंगे। आप जब भी ये ड्रिल मशीन लेते हैं तो आपको इस तरह के ये तीन बेड मिलते हैं और ये स्टिक मिलती है और ये हैंडल मिलता है और एक जो ये एक कनेक्टर मिलता है। दोस्तों, तो दोस्तों होता क्या है, इसमें आप अभी जब आप मशीन लेंगे तो इसमें केवल आप यही यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको देखते हैं कैसे इसमें आप, काफ़ी लोगों को ये इसमें इसको लगाने में या चेंज करने में दिक्कत होती है, तो हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसमें ये बिट लगाना है, कोई भी इस तरह का कनेक्टर लगाना है, तो इसमें आपको ये जो दिख रहा है, ये कट दिख रहा है, ये दो तरफ होता है, इधर है, ये देखिए ये दिख रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको ऐसे डालना है इसमें, इस तरह से आप ऐसे डालेंगे, ये देखिए चला गया। या कभी कभी होता है, अब इसको आपको जब निकालना है तो इसको नीचे ले जाना है इस वाले हिस्से को और इसको ऐसे निकालना, मगर जैसे कभी होता है आपने ऐसे डाला नहीं जा रहा तो आपको इसको हल्का सा घुमाना और ऐसे प्रेस कर देना है तो आसानी से ये चला जाता है अंदर। और इसको ऐसे करेंगे, खींचेंगे, ये देखिए इसको नीचे करेंगे और ये निकल आता है। इस तरह से आप इसमें ये ड्रिल बिट चेंज कर सकते हैं, दूसरी लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो भी आपको लगानी है। तो चलिए, इसका जो मेन अटैचमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए अटैचमेंट है और इसके साथ एक ये स्क्रू मिलता है। तो ये मेन होता है इसमें ड्रिल चक लगाने के लिए। तो ड्रिल चक इसमें हम कैसे लगाएंगे, और मेन जो है का अटैचमेंट वही है, यही है। ये देखिए, ये जो ड्रिल चक है इसके साथ एक ये एलकी मिलती है। तो इसको हमको इसमें कैसे लगाना है, उसका यूज क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। हमको ये कनेक्टर लेना है और उसको इधर अच्छे से ऐसे टाइट कर लेंगे और इस पेज को को ऐसे हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए टाइट हो गया है, अब हम इसको इसमें लगा देंगे। वैसे ही लगाना जैसे हमने बताया, ये देखिए लग गया, अब ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स हो गया। तो ये हमने लगा दिया है, अब ये हमारी समझ लीजिए ये जो ड्रिल मशीन है, ये पूरी तरह से आप ये फुल यूज करने के लिए हो गया। अब इसमें आप कोई भी बेट लगा सकते हैं, 1.5 mm से लेके 13 mm तक आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं। ये देखिए, पहले क्या था, इसमें आप केवल यही जो मेन इसके जो हैं यही लगा सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी बिट या कोई भी आप इसमें रोटरी टूल कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप को ये साथ में नहीं मिलता, ये आपको अलग से लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप ये ले रहे हैं तो आपके पास ये होना जरूरी है, अगर ये नहीं है तो आपकी ये मशीन समझ लीजिए पूरी तरह से स्मार्ट नहीं है, आप इसे पूरा इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लगा के, जैसे ये देखिए 5 mm का ये ड्रिल फिट है, ये ऐसे नहीं लगेगा, देखिए इसमें वो कुछ नहीं है इस तरह, ये बिल्कुल अलग है, ये छोटा है और इसमें कोई इसमें आपको ये तरह का करने मिलेगा जिससे ये अंदर आप इसमें लगा सकें। तो इसके लिए ये लगाया जाता है इसको ऐसे टाइट लगाइए इसको, अब हल्के से इसको टाइट कर दीजिए, ये हिसाब में अब इसमें आप कोई भी लगा सकते हैं। आप इसमें और एक मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप ये देखिए स्टेप ऑन इसको बोलते हैं, ये बहुत ही यूजफुल होता है। ये देखिए लग गया, आप इसे आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपके पास होना चाहिए, अगर आप ड्रिल मशीन ले रहे हैं तो आपको ये कंपलसरी है, आपके पास होना चाहिए, नहीं तो केवल आप इससे केवल यही कुछ ड्रिल बिट यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपने अपने ड्रिल मशीन को कैसे आपने स्मार्ट बनाया और इससे आप कितने काम कर सकते हैं। इसमें आप इसमें कटिंग ब्लेड भी लगा सकते हैं, आप इसको ग्राइंडर भी बना सकते हैं, आप इसमें वो ड्रिल वो कटिंग ब्लेड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जितने भी रोटरी टूल आते हैं आप इसमें फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूल के साथ, नई जानकारी के साथ।